सांप जैसे विषैले जानवर से हर कोई डरता है। कुछ सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि पल भर में ही एक हंसते खेलते आदमी को मार सकता है। ऐसे में मुश्किल ही लगता है कि कोई इससे बेवजह पंगे लेना चाहेगा। खैर, इस दुनिया में कुछ ऐसे पक्षी मौजूद है जो इस रेप्टाइल के जान के दुश्मन है। इन पक्षियों के लिए तो सांप एक डिलीशियस खाना है, जिसे वे जहाँ भी देखते हैं मार कर खा जाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक पक्षियों की बात करेंगे जिनके बारे में एक सांप कभी बात नहीं करना चाहेगा। नंबर 5, आउल। उल्लू बदसूरत दिखने वाले पक्षियों में गिना जाता है। इसकी डरावनी सूरत देखकर ये बात समझ भी आती है, मगर जितना डरावना ये दिखता है उससे कई ज्यादा डरावना ये सांपों के लिए है। उल्लुओं को सांपों का पुराना दुश्मन माना जाता है। दरअसल सांप उल्लुओं का भोजन होते हैं, ऐसे में इनके बीच टकराव तो होना ही है। हम सभी जानते हैं कि सांप कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है और इसीलिए दिन की गर्मी में यह असहज महसूस करता है। यही कारण है कि दिन के समय ये जमीन के नीचे अपने बिल की ठंडक में आराम करते हैं और रात को शिकार पर निकलते हैं। उल्लुओं का भी शिकार करने का यही समय है। जब दो निशाचर शिकार के लिए इधर उधर भटकेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी मुलाकात तो होगी ही। सांप उल्लुओं का प्रिय शिकार होते हैं। उल्लू सांप को जहाँ कहीं भी देखते हैं तुरंत मार डालते हैं और खा पी कर सफा चट कर देते हैं। बेचारे सांप शिकार के लिए निकलते हैं और खुद ही शिकार हो जाते हैं। दरअसल सांप अपने शिकार की स्मेल से उसका पता लगाने की कोशिश करता है, वो भी जमीन पर। ऐसे में आसमान में टहल रहे अपने शिकारी की प्रेजेंस को भाप नहीं पाता। उल्लू सांप को देखकर तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाता है और इससे पहले कि सांप उल्लू को उसकी गंध से पहचान सके और छिपने के लिए आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढ सके, उल्लू उसे अपनी चोंच में उठाकर उड़ा ले जाता है और उसे मारकर इत्मीनान से खाता है। उल्लू एक मांसाहारी पक्षी है और पूरी दुनिया में इसकी 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। ये दुनिया के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अलग अलग हिस्सों की अलग अलग स्पीशीज की हंटिंग स्किल्स भी अलग अलग होती है, मगर सब में एक बात कॉमन है कि इनमें से कोई भी सांप को नहीं छोड़ता। वैसे सांप के अलावा चूहों और खरगोशों को भी ये पक्षी अपना शिकार बनाता है। नंबर 4, रेड टेल्ड हॉक्स। वैसे तो दुनिया के सारे ही बाज सांपों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और अपना पेट भरने के लिए इन्हें नूडल्स की तरह खा जाते हैं, मगर इन सब में भी जो सांपों का सबसे बेहतरीन शिकारी है वो है रेड टेल्ड हॉक। ये बर्ड नॉर्थ अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में पाया जाता है। अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा से लेकर साउथ में पनामा और वेस्ट इंडीज तक के पूरे आसमान में इसे कभी भी देखा जा सकता है, जहाँ हवा में उड़ते हुए इसकी पैनी नजर जमीन पर अपने शिकार की तलाश करते हुए मिल जाएगी। सांपों के लिए इससे बड़ा खतरा कोई और नहीं हो सकता। इन पक्षियों की नजरें इतनी तेज होती है कि सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर पड़ी बारीक से बारीक चीज को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये अक्सर अपने शिकार की तलाश में आसमान में खूब ऊंचाइयों पर मंडराते रहते हैं और जैसे ही इन्हें अपना शिकार नजर आता है ये तेजी से नीचे की ओर डाइव लगा देते हैं। इनकी खाने की लिस्ट में सांप की बड़ी अहमियत है। इन्हें सांप खाना बहुत पसंद होता है और यही वजह है कि एक बार सांप इनकी नजरों में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। सांप के लिए उल्लुओं से बचना तो फिर भी एक बार आसान हो सकता है, क्योंकि उल्लू केवल पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे होते हैं और वहीं से सांप पर हमला करते हैं, जिससे सांप के पास बचने का थोड़ा चांस तो होता है, मगर यहाँ इस बाज के मामले में ऐसा नहीं है। ये सीधे आकाश की ऊंचाइयों से ही अपना निशाना साध लेते हैं और बड़ी तेजी से नीचे की ओर आते हैं। इनके वार से बचने के लिए और खुद को संभालने के लिए सांप के पास बिल्कुल वक्त नहीं होता और वो बड़ी आसानी से इनका शिकार हो जाता है। बाज सांप को अपने पंजे में दबाकर फिर आकाश की ऊंचाइयों की सैर पर निकल जाता है। सांप के अलावा ये पक्षी छोटे मैमल्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। ये मछलियाँ पकड़ने में भी माहिर होते हैं और दूसरी छोटी बर्ड्स को भी खा जाते हैं। ये पक्षी शिकारी मांसाहारी होते हैं, यही वजह है कि इनके पंजे और चोंच बहुत नुकीली, बड़ी और मजबूत होती है। इन्हें देखकर सांप के लिए तो बस दुआएं ही की जा सकती है। नंबर 3, स्नेक ईगल्स। यूं तो सारे ही ईगल्स को सांप का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है, मगर स्नेक ईगल का अपने खानदान में एक अलग ही रुतबा है। अब आप ही सोचिए, जिसके अपने नाम में स्नेक हो वो सांप का क्या हाल करता होगा। ये ईगल तो पैदा ही इसलिए होता है ताकि सांपों की पॉपुलेशन कम कर सके। ये मांसाहारी चिड़िया मुख्य रूप से सांप ही खाती है। रेड टेल्ड हॉक्स की तरह ही ये बर्ड भी आसमान में लगातार उड़ता रहता है और अपनी निगाहों को जमीन पर हो रही हलचल पर टिकाए रखता है। जैसे ही इसे कोई सांप नजर आता है ये तेजी से नीचे की ओर डाइव लगा देता है और एक ही झटके में सांप को अपने पंजों में उठाकर दोबारा आसमान में उड़ जाता है। इससे पहले कि सांप को कुछ भनक भी लगे कि उसके साथ क्या हुआ,
वो ईगल के पंजों में फंसा हुआ आसमान की सैर कर रहा होता है। फिर कोई अच्छी सी शांत जगह देखकर ईगल इस सांप को लेकर उतरता है और सांप को मारकर उसे आराम से नोच नोच कर और चटखारे ले लेकर खाता है। रेड टेल्ड हॉक्स की ही तरह इस ईगल की भी नजरें बहुत पैनी होती है, जो बहुत ऊंचाई से भी जमीन की चीजें साफ साफ देख सकती है। इसके अलावा इसके पंजे और चोंच भी बहुत नुकीली और मजबूत होती है, जो एक ही वार में सांप को चीर फाड़ देती है। ये शिकारी पक्षी मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसकी डाइट में मेनली दो सांप ही शामिल होते हैं, मगर इसके अलावा ये चूहे, दूसरे छोटे मैमल्स, लिजर्ड्स और पक्षियों को खाना भी पसंद करते हैं। नंबर 2, लाफिंग फाल्कन्स। इसे स्नेक हॉक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि ये हॉक नहीं है बल्कि फाल्कन फैमिली से बिलोंग करता है, जो मीडियम साइज का एक पक्षी है, मगर सांपों को मारने की इसकी कमाल की काबिलियत के बल पर ही इसे ये नाम मिला है। ये पक्षी मुख्य रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के देशों में पाया जाता है, खासकर ब्राजील और अमेज़न के जंगलों में। इसे लाफिंग नाम इसकी खास आवाज की वजह से मिला है। इनकी आवाज बहुत तेज होती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई दूर बैठकर बहुत तेज हंस रहा हो। अगर इनकी साइज की बात की जाए तो ये करीब 46 से 56 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका विंग स्पैन होता है 80 से 100 सेंटीमीटर तक। जैसा कि हर शिकारी पक्षी की प्रजाति में होता है कि मादाएं नर के मुकाबले साइज में बड़ी होती है, लाफिंग फाल्कन्स के केस में भी ऐसा ही है। इनमें मादाओं का वजन 600 से 800 ग्राम तक होता है, वहीं नर का वजन होता है करीब 400 से 700 ग्राम तक। अगर इनकी काबिलियत की बात करें तो ये सांपों के सबसे बड़े शिकारी के रूप में पूरी दुनिया में फेमस है। हालांकि इन्हें सांपों को खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इन्हें सांपों के अलावा दूसरे जानवर और रेप्टाइल ज्यादा टेस्टी लगते हैं, मगर फिर भी ये सांपों को देखते ही उन्हें मार देते हैं। भगवान जाने इनकी सांपों से क्या दुश्मनी है। दरअसल सांपों को मारने में ये गर्व महसूस करते हैं और अपनी बिरादरी में खुद को बहादुर साबित करने के लिए सांपों की जान ले लेते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इन्हें सांप के जहर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सांप कितना ही विषैला क्यों ना हो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके शरीर पर सांप के जहर का असर नहीं होता और यही वजह है कि ये पक्षी सांप के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सांप कितने ही विषैले हो और कहीं भी छुपे हुए हो, ये उन्हें ढूंढ कर उन्हें खत्म कर देते हैं। यानी जिस एरिया में ये पाए जाते हैं सांपों का वहाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड्स। और अब बात करते हैं सांपों के सबसे बड़े दुश्मन पक्षी के बारे में। इसके बारे में कहा जाता है कि सांपों को मारने से इन्हें प्यार है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि ये सांपों की क्या हालत करते होंगे। ये पक्षी मेनली सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका के सवाना के जंगलों में पाए जाते हैं। इनका सिर कुछ कुछ ईगल की तरह होता है, हाँ, मगर इनके सिर के पीछे ब्लैक कलर के लंबे लंबे पंख होते हैं, जो इन्हें बहुत खूबसूरत बनाते हैं। जब मेटिंग सीजन आता है तो इनके ये पंख खड़े हो जाते हैं, जो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इनकी गर्दन के आसपास ग्रे फर होते हैं और पूंछ तक पहुंचते पहुंचते इनका रंग काला होने लगता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनके ये पैर। ये बड़े बड़े पैर इन्हें एक अलग ही लुक देते हैं, बिल्कुल रॉयल लुक। इनकी आंखों के नीचे ऑरेंज कलर की स्किन भी साफ साफ देखी जा सकती है। ईगल और हॉक की ही तरह इनकी आंखें बहुत ही तेज होती है और ऊंचाई से भी जमीन की चीजों को बिल्कुल साफ साफ देख सकती है। सवाना ग्रासलैंड्स अपने ड्राई क्लाइमेट के लिए जाने जाते हैं। यहाँ अक्सर तेज गर्मी की वजह से आग लग जाती है। ऐसे में जहाँ ज्यादातर जीव अपनी जान बचाकर भागते हैं, वहीं ये पक्षी इस माहौल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। ये शिकारी पक्षी इन भाग रहे जीवों पर अचानक से हमला करता है और इन्हें मारकर खा जाता है। सांप खास तौर पर इनके निशाने पर होते हैं। ये पक्षी ज्यादातर समय जमीन पर ही रहते हैं, इसी वजह से सांप से इनकी सीधी टक्कर होती है। खैर, ये सांप से लड़ते वक्त उसके जहर से बचने के लिए अपने पंजों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और ज़िगज़ैग स्टाइल में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, जिससे सांप कंफ्यूज हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये सांप को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर देते हैं। ये सांप पर तब तक कूदते रहते हैं जब तक कि सांप मर नहीं जाता। अब सांप में हलचल बिल्कुल बंद हो जाती है, तब ये सांप को खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मुर्गियां भी सांपों को मारने में माहिर होती है। खैर, सांपों को मारना उनका कोई शौक नहीं होता और ना ही वो खाने के लिए उन्हें मारती है। वो तो केवल अपने बच्चों की रक्षा के लिए सांपों पर हमला करती है। जब भी सांप मुर्गी के अंडों और चूजों पर बुरी नजर डालता है तो उसे मुर्गी के गुस्से का सामना करना पड़ता है और ऐसे में मुर्गी कभी कभी सांपों को मौत के घाट भी उतार देती है।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सांपों के दुश्मन इन पक्षियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।